गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं बस स्टैंड पहुंच गई हूँ। इट्स अर्ली मॉर्निंग 6:30 और अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट के लिए, बिकॉज जो मैंने सोचा था अराउंड 9 o'clock बस लूँगी, बट जो बस है 9 o'clock वाली, दे आर नॉट श्योर अबाउट कि वो आएगी या नहीं आएगी। सो आई थॉट वाई टू टेक रिस्क, सो इट्स बेटर कि मैं इसी बस में जाऊँ। अभी जस्ट मुझे आशंक ने ड्रॉप किया है। बहुत हैप्पी हूँ, बहुत 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 एक्साइटेड हूँ मैं ऋषि को मिलने के लिए। एंड मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आ रही थी प्रॉपरली, मुझे था अभी जस्ट जल्दी उठूँ, जल्दी जल्दी मॉर्निंग हो, जल्दी जल्दी मैं पहुँचूँ। सो रियली एक्साइटेड टू मीट हिम। लॉन्ग स्टे है, ले ओवर है सिंगापुर में, अराउंड 12 hours का है। सो वहाँ पे भी मुझे अपनी एक्साइटमेंट सारी थोड़ी कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगेगा ऋषि को मिलने के लिए। तो होप एवरीथिंग गोज वेल एंड मैं जल्दी से ऋषि को मिलूँ। बाकी मिलती हूँ आपको दिल्ली पहुँच के। अभी हमारी बस रुकी है करनाल में एंड आउटर सैंडविच वो आता है तो वो खाती हूँ। एक ना बड़ी फनी चीज़ हुई अभी, मैं बस में थी, आई वॉज टॉकिंग टू ऋषि एंड पीछे से ना हॉर्न बज रहा था बस का, बिकॉज एक ट्रक वाला साइड नहीं दे रहा था। तो ऋषि इज़ लाइक कि बेबी यार, आप ना यहाँ आके बड़ा मिस करोगी। मैं कहा क्या? कहते ये जैसे पीछे हॉर्न बज रहा है सब आवाज़ें, बिकॉज वहाँ हॉर्न्स नहीं ब्लो होता इतना। तो आई लाइक ऋषि, मैं PK मूवी की जैसे रिकॉर्ड करके ले आऊँ ये सारी हॉर्न, गाड़ियों की आवाज़ें, फिर मैं आपको भी सुनाया करूँगी, खुद भी सुना एंड फनी। तो लाइक नहीं नहीं ऐसे मजाक करो, बिकॉज वी आर नॉट हैप्चुअल ऑफ दीज थिंग्स ना। मैं कहा हाँ यार ये तो बात है। तो चलो अभी जल्दी कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर ऋषि के पास जाते हैं। दिस ग्रिल सैंडविच गाइज, मैं टर्मिनल 3 पहुंच चुकी हूँ। ही इज़ हेल्पिंग मी, मेरा लगेज लेके जा रहे हैं ऊपर, और हम मुझे लग रहा था नीचे से एंट्री, बट ये ऊपर से है। सो एक्साइटेड। मेरा दिल धक धक कर रहा है बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, डर लग रहा है या एक्साइटमेंट है, दैट आई डोंट नो। 3 hours later यार मेरी फ्लाइट है रात के अराउंड 9:30 और मैं यहाँ पहुँच के 1:30-2 o'clock कह सकते हो। तो नियरली मैंने 7-8 hours वेट किया है अपनी फ्लाइट का, तो उसके दौरान मुझे भूख भी लग गई है बहुत सारी। तो अभी कॉफ़ी पीती हूँ, साथ में कुछ खाती हूँ, बिकॉज भूख भी लग रही है। और बड़ा मुश्किल होता है यार एयरपोर्ट पे टाइम पास करना। हाय गाइस, सो द अपडेट इज़ मेरा लगेज हो गया चेक इन, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, इमिग्रेशन भी हो गया, इंडिया वाला भी। वेट कर रहे हैं अभी जब स्टार्ट होगा, क्या कहते हैं, गेट्स ओपन होंगे तभी फिर जाते हैं फ्लाइट में। बट आई वॉन्ट टू शेयर, मुझे ना बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। येस आई एम हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, बट पता नहीं क्या मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी इन द सेंस, मुझे पता नहीं, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे पहले, मुझे घबराहट हो रही है। एंड ऋषि टोल्ड मी टू ईट समथिंग, बट मेरा ना मन भी नहीं कर रहा कुछ खाने का। लाइक वहाँ जाना है वेंडिंग मशीन के पास जाना, और मैं जाके वेंडिंग मशीन के पास एकदम बैठ गई। वन थिंग आई वॉन्ट टू एड ऑन, जहाँ इमिग्रेशन चेक इन था और सिक्योरिटी चेक भी जहाँ था, देयर वाज अ मैसिव रश। माइट बी फ्लाइट्स पूरी पैक्ड अप जा रही है इस रीज़न से, यहाँ बॉर्डर्स काफ़ी टाइम बाद ओपन हुए हैं, नॉट ओनली फॉर न्यूजीलैंड, मे बी ट्रैवलर्स या वकेशंस के करके, पर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। 1.5 hours मुझे वहीं लग गया ये इमिग्रेशन का वो करते हुए। सो थोड़ी रोलर कोस्टर राइड रह रही है, बट आई एम एक्साइटेड टू मीट हिम। बहुत ज़्यादा वेट करनी है अभी भी, अभी पहले यहाँ पे 5.5 hours की फ़्लाइट है मेरी, वो उसके बाद सिंगापुर में 12 hours मुझे वेट करनी है, उसके बाद मुझे 10 hours फिर से फ़्लाइट लेनी है।
सो थोड़ा लंबा ट्रैवल है बट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम सून. सो फाइनली माई मील इज़ हेयर. बहुत भूख लगी है, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या है. ये लुक्स यमी. एंड आई एम वॉचिंग दिस मूवी एंड वन मोर थिंग, उन्होंने आइसक्रीम भी दी है. लुक्स यमी. नींद बहुत आ रही है पर खाने का मन भी है. Hey guys, I am in Singapore. मैं पहुँच गई थी सुबह अराउंड यहाँ के अकॉर्डिंग 6 बजे थे. सो मेरे पास मेरी जो फ्लाइट है इवनिंग में है 6:30. सो आई हैव सफिशेंट टाइम टू एक्सप्लोर सिंगापुर. बट मैंने और ऋषि ने डिसाइड किया था कि हम जब भी सिंगापुर पूरा एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, तो हम इकट्ठे जाएंगे. सो आई एम नॉट गोइंग आउट. मैं आज एयरपोर्ट ही एक्सप्लोर करूँगी. आई नो जब भी ऋषि आते थे वाया सिंगापुर तो वो पूरा सिंगापुर एयरपोर्ट मुझे वीडियो कॉल में दिखाते थे एंड इट्स रियली रियली प्रिटी. बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है. पर आज फिर मैं अकेली सिर्फ एयरपोर्ट घूमूंगी. अदरवाइज़ आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं अराउंड 3-4 घंटे के लिए 4-5 घंटे के लिए बाहर जाके घूम फिर के वापस आ सकती हूँ. बट आई एम नॉट गोइंग. सो कल रात का ये है कि कल रात को ना फ्लाइट में उन्होंने अराउंड 12:30 कर दिया था खाना देते देते एंड आई वॉज सो हंग्री. मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, उस चक्कर में मैं सो नहीं पाई. तो फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ मैं 1 आवर सोई हूँ. फिर मैं फ्रेश अप होके फिर मैंने 1 आवर अराउंड यहाँ पे सोई हूँ थोड़ा सा. अभी फिर मैं उठ गई हूँ बिकॉज मुझे भूख लगी है ब्रेकफास्ट करने के लिए. एंड यहाँ पर तो ऐसा टाइम हो गया 10 बजने वाले होंगे. पर क्या कहते हैं, इन टोटल देखा जाए तो मैं कल की पूरी रात में सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ. नींद भी आ रही है, भूख भी लगी है और मैं पिछले आधे घंटे से बर्गर किंग ढूंढ रही हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा. वीडियो कॉल में मुझे ऋषि गाइड कर रहे हैं यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ और मैं सिर्फ यहाँ जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ. एज सच आई हैव सफिशेंट टाइम कि मैं घूमूँ इधर उधर बर्गर किंग ही ढूंढूँ. नाउ आई हैव आस्क्ड समवन सो दे गाइडेड मी कि यहाँ पे पास ही है. तो मैं उल्टी डायरेक्शन में चली गई हुई थी. सो चलो जल्दी से बर्गर किंग चलते हैं, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी हुई है यार. सो दोस्तों बर्गर किंग तो मुझे नहीं मिला पर मुझे सिंगापुर फूड स्ट्रीट मिल गया है और मैंने मनी भी एक्सचेंज करवा लिया. मेरे पास न्यूजीलैंड $50 थे तो मैंने चेंज किया, मुझे सिंगापुर के डॉलर्स मिल गए हैं. तो अभी चलो खाते हैं. ऋषि मुझे कह रहे हैं कि इनके नूडल्स ट्राई करना, बड़े यम है. सो पहले तो मुझे बहुत भूख लगी, देखती हूँ कुछ और खाती हूँ. यार यहाँ पे ना बहुत ही लंबी लाइन है जिसमें ज़्यादातर मोमोज़ हैं, राइस है एंड चिकन है. एंड फाइनली I found it. Rishi will definitely be proud on me कि मैंने finally Burger King ढूंढ लिया. I ordered my meal. Unfortunately इनके पास सिर्फ वेज में एक ही ऑप्शन थी, ये प्लांट बेस्ड वूपर. सिर्फ एक ही ऑप्शन, बाकी सारे इनके पास नॉन वेज ऑप्शन है. सो आई विल लाइक ओके लेट्स गो फॉर इट. आई डोंट नो हाउ इट इज, लेट्स ट्राई. बाहर हो रही है बहुत ही तेज़ बारिश और मुझे डर लग रहा है कि मेरी फ्लाइट जाएगी ना. ऋषि तो कह रहे हैं डोंट वरी आएगी. वो तो जब हम श्रीनगर में गए थे तब कैंसिल हुई थी बिकॉज ऑफ वहाँ स्नोफॉल हो गया था और बहुत फोगी हो जाता है. उस सीज़न से वो फ्लाई नहीं की थी, गई नहीं थी. बट यहाँ तो बारिश है तो बारिश में इट विल गो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो मैं तो वैसे मुझे मैं बहुत थक गई हुई हूँ. आई ट्राई टू गेट सम स्लीप. मैं अराउंड 1 घंटा सोई हूँ अभी. तो अभी मैं सोच रही हूँ
यहाँ पे ना बड़ा सुंदर बटरफ्लाई गार्डन है और एक ऋषि मुझे बता रहे थे लोटस गार्डन भी है, तो फिलहाल तो मैंने बटरफ्लाई गार्डन देखा, चलो वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पर पहले बाहर बारिश देखो यार कितनी तेज हो रही है। वो देखो लगेज लेने के लिए जा रहे हैं, ये सारे अपनी अपनी पार्किंग में खड़े हुए हुए कि आ जाओ बैठ जाओ अभी आपकी टर्न आएगी। इसमें बड़े सारे बैग आएंगे इसमें तो। ओह इट्स रेनिंग आउटसाइड। There are, as it's raining, but still there are so many butterflies. इसके ऊपर भी है। Wow. Okay, might be this is their food. Yeah. It's so beautiful, yeah. So beautiful. There's a very beautiful waterfall. We have to go there and see. Hello, butterfly. लाइक द कंसेप्ट, इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ ना, बटरफ्लाइज आर लाइक समथिंग हर कोई देखे ना उनको बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज है, देखो कितनी वेरी नाइस। अभी मैं लोटस, अभी ये इतना ब्यूटीफुल, आई कैन फील कि जो लोटस वाला है गार्डन वो भी कितना ब्यूटीफुल होगा। सो गाइज लोटस गार्डन तो मैं नहीं जा रही बिकॉज वो बहुत दूर है और मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जल्दी से कुछ जगह ढूंढती हूँ जहाँ मैं आराम से सो पाऊँ थोड़ी देर। दिस इज नाइस, अ फन टाइम एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम रियली 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 एक्साइटेड, क्योंकि कल इस टाइम पे मैं ऋषि के पास होंगी। इसे तो पहले ही पहुंच जाऊंगी पर नियरली इस टाइम पे वहीं पर होंगी, हम कुछ खा पी रहे होंगे या हम घूम रहे होंगे या हम घर आ रहे होंगे। सो चलो इन एक्साइटमेंट को अभी कंट्रोल करते हुए अभी मैं थोड़ी देर सोती हूँ एंड मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। अब भी जल्दी वेट करो मेरे साथ ऋषि को मिलने की, तब तक मैं सोती हूँ थोड़ी देर और आप थोड़े से अपना आपको कंट्रोल करो, हम कल मिलते हैं ऋषि के साथ। बाय।